एटॉमिक हैबिट नाम की पुस्तक जो जेम्स केलर द्वारा लिखी गई है उसको हम रिव्यू कर रहे हैं, और ये उस श्रृंखला की चौथी वीडियो है। चौथी वीडियो में हम दूसरे अध्याय को ले रहे हैं जिसका शीर्षक है आपकी आदतें आपकी पहचान तय करती हैं। जी हाँ दोस्तों, कई बार जो हमारी आदतें होती हैं वो देखकर लोग एक इम्प्रेशन हमारे प्रति तैयार कर लेते हैं, और उस माइंडसेट को लेकर या उन आदतों को लेकर पूरा का पूरा ये अध्याय है जिसमें कई चीज़ें बताई गई हैं। इस अध्याय में बताया गया है कि कैसे हम गलत आदतें छोड़ सकते हैं, कैसे छोटी छोटी आदतें जो हमारी गंदी आदतें हैं, जो हमारी अलग आदतें हैं, उनसे हमें बाहर निकाल सकती हैं। तो इस पुस्तक में जो सबसे पहले बताया गया है कि बुरी आदतों को दोहराना तो बहुत आसान है, लेकिन जो अच्छी आदतें हैं उनको डालना मुश्किल है, एक बड़े से प्रश्न चिन्ह के साथ ये बात लिखी गई है, और जो कि सही भी है। कई मायनों में हम देखते हैं कि जो बुरी आदतें हैं उनको हम चाहते हुए भी नहीं छोड़ पाते, और जो अच्छी आदतें हैं उनको चाहते हुए भी डाल नहीं पाते। इसमें उदाहरण एक सिगरेट और टीवी का दिया है, इसमें जंक फूड को भी शामिल किया है। जैसे सिगरेट को छोड़ने के लिए कई दोस्त या मित्र चाहते हैं लेकिन वो छोड़ नहीं पाते, तो इसके पीछे उनका कारण है उनकी जो छोटी आदतें हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं उनके प्रति ध्यान न देना। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात कि इन आदतों को गलत तरीकों से कभी ना बदलें। जैसे एक उदाहरण है, मान लो हमारे एक मित्र है वो सिगरेट छोड़ना चाहता है, और एक और मित्र है वो भी यही प्रक्रिया अपनाना चाहता है। तो जब हम किसी को उन दोनों को सिगरेट ऑफर करेंगे तो एक उसमें से कहेगा कि नहीं, मुझे सिगरेट नहीं चाहिए क्योंकि मैं इसे छोड़ना चाह रहा हूँ, और वहीं दूसरा वाला जो व्यक्ति है उसे अगर हम सिगरेट ऑफर करेंगे तो वो हमसे कहेगा नहीं, मैं सिगरेट नहीं पीता, मुझे नहीं चाहिए। तो दोनों की अगर इसमें हम कंपैरिजन करेंगे तो सिगरेट वो जल्दी भूल जाएगा जिसने मैं नहीं पीता ऐसे बात ख़त्म कर दी और वो सिगरेट नहीं रखती। तो जो पहला वाला था उसने मना तो किया, लेकिन एक जो माइंडसेट रहता है, जो दिमाग में बना रहता है कि मैं अभी ये कर रहा हूँ, अभी मुझे ये करना है, ऐसा नहीं उसका माइंडसेट रहेगा, तो दूसरा जो व्यक्ति है इस मामले में आगे बढ़ जाएगा। तो ऐसी ही 2-3 चीज़ें और इस पुस्तक में बताई गई हैं। आपकी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका उस पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है, बल्कि जो आप हासिल करना चाहते हैं उस पर ध्यान केंद्रित करना है। ये बात हमेशा याद रखना है, अगर हम किसी आदत को बदल रहे हैं तो उस पर ज़्यादा ध्यान ना दें, बल्कि हम इस बात पर ध्यान दें कि हमें वो आदत क्यों बदलनी है और उससे हम प्राप्त क्या करना चाह रहे हैं, और उस प्राप्त करने वाली चीज़ के प्रति हमको डेडिकेटेड बने रहना है, तो कहीं ना कहीं एक लक्ष्य हम प्राप्त कर लेंगे। और उसके बाद जो हमें बताया कि आपकी जो पहचान है वो आपकी आदतों से उत्पन्न होती है। हर काम उस तरह के व्यक्ति के पक्ष में वोट है जो आप बनना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो रही है इस लाइन में कि अपने जो काम हैं उनको हमें ऐसे करना है कि वो आगे चल के हम बनने ही वाले हैं, वो चीज़ हम करने ही वाले हैं। और उसके बाद बताया गया है कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि आप लगातार अपने विश्वासों का संपादन करें और अपनी पहचान को उन्नत तथा विस्तृत करें। अपना जो बेस्ट है, जो अपना सर्वश्रेष्ठ है, वो बनाने के लिए अपने आप को बार बार एडिट करना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है कई बार हम अपने आप को संपूर्ण मान लेते हों, और जबकि ऐसा होता ना हो, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जो अच्छाइयाँ हैं, जो बुराइयाँ हैं, उन चीज़ों को बार बार एडिट करें, उन चीज़ों में बार बार अपने आप को झांक के देखें, तो कहीं ना कहीं ये जो आदतों की एक कहानी है उसमें हमारे लिए एक बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। उसके बाद बताया गया है कि आदतें मायने रखती हैं, इसका असली कारण यह नहीं है कि उनकी बदौलत आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं, असली कारण तो यह है
कि वे आपके बारे में आपके विश्वासों को बदल सकती हैं। आदतें जो हैं उनके भरोसे आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं। जो आदतें हैं वो आपके विश्वास को बढ़ाती हैं। बहुत छोटी छोटी आदतें जो होती हैं वो हमें एक पॉजिटिवली चीज़ें करने का मौका देती हैं, पॉजिटिव वे में ले जाती हैं। इसलिए आदतों का महत्व है और इसीलिए ये पूरी की पूरी पुस्तक आदतों पर निर्भर है। तो ये अध्याय 3 का सार था और मैं आपको एक पढ़ के दिखा देता हूँ कि अध्याय 4 जो है वो कैसा रहेगा, उसमें क्या क्या बात है। उसमें 4 आसान कदम बताए जा रहे हैं हमें, जिनसे हम अपनी जो आदतें हैं उनको बेहतर कर सकते हैं। तो अगर आपको इस सीरीज़ में मज़ा आ रहा है, इस सीरीज़ की एक या दो पंचिंग पॉइंट्स भी आपको लग रहे हैं कि इनको हमें अपने जीवन में उतारना चाहिए, तो आप ज़रूर इसको लीजिएगा और अपने जो साथी हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए, ताकि वो भी अपनी छोटी छोटी आदतों से बेहतर परिणाम अपने जीवन में ला सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।